नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ कामिनी शर्मा। आज हम अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से रोज़मर्रा में पेश होने वाली उन बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनकी चपेट में आप आते हैं। आपको जागरूक करने के लिए हाजिर होते हैं कि किस तरीके से बीमारियों से आप शिकार हो, किस तरीके से आप बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसी के साथ हम अपना खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। हम अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट। सबसे पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे कि डॉक्टर, दर्शकों हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपक सक्सेना जी, जिनका आज हम स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। दर्शकों हम आपको बता दें कि डॉक्टर रूपक सक्सेना जी सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिनका शहर में जाना पहचाना नाम है, जिनके साथ आज हम स्किन से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे कि आज बारिश के मौसम में किस तरीके से स्किन की प्रॉब्लम है लोगों में देखी जा रही है। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम देखी जा रही हैं। देखिए, आजकल बारिश के साथ साथ हीट भी है, ठीक है, तो हीट और ह्यूमिडिटी, उमस और गर्माहट के साथ कुछ स्किन डिजीजें बहुत कॉमनली जो देखी जाती हैं। सबसे पहले तो उसमें प्रिकली हीट बोलेंगे, घमौरियाँ, ठीक है, जो आम भाषा में उनको लोग घमौरियाँ बोलते हैं, ठीक है। एक फॉलिकुलाइटिस बहुत होती है इन दिनों जी। तो अक्सर लोगों में, हमारे भारतीय कोई संस्कृति में ऐसा कुछ रिवाज है, लोग अपने बदन पर पता नहीं नहाने के बाद तेल वेल ज़रूर लगाते हैं जी। तो ऐसे बैकग्राउंड में जब वो तेल लगाया हो, साथ में हीट और ह्यूमिडिटी होती है, तो उनके फॉलिकुलाइटिस नाम की ऐसी एक कंडीशन है स्किन की, वो अक्सर देखने में आती है जी। और इसी रेन वाटर जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है बारिश का पानी, तो उसमें मच्छर जब उठते हैं जी, तो पेपुलर अर्टिकेरिया एक एंटिटी है, एक डिजीज एंटिटी है जी, जो कि अब प्राय दो बचपन से लेकर अर्ली मतलब चाइल्डहुड से 6-7 साल की एज तक चलती है जी। ये भी इन दिनों बहुत देखने में आती है, जब मच्छर जैसी पैदा होते हैं वातावरण में। तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है ऐसे रेंज के और ह्यूमिडिटी में, वो है फंगल इन्फेक्शन, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, जिनको हम डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में जी। इसी के साथ डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बोल रहे हैं घमौरियाँ, तो ये घमौरियों की दिक्कतें इतनी क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, घमौरी तो एक दिक्कत, ये सीधे एक वेदर से रिलेटेड कंडीशन है, गर्मी में इसके नहीं बर्दाश्त कर पाती है ह्यूमिडिटी, और उसके तो एक रिएक्शन है छोटा सा, तो उसमें अक्सर बारीक बारीक से दाने बिल्कुल क्लोज सेट सेटिंग में बन जाते हैं, जिनमें एक खुजली तो नहीं कहेंगे पर एक चिनमिनाहट सी होती है, मरीजों को बड़ी बेचैनी और अजीब सा लगता है, अनकम्फर्टेबल लगता है। तो ये प्राय जब असल में जब हम पसीना बहुत आता है इन दिनों जी, अगर हम प्राय स्नान ना करें रूटीनली या ज़्यादा कई बार स्नान ना करें तो ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप होती हैं जी। तो इनसे बचने का भी एक उपाय है ये कि आप गर्मी इस मौसम में जी, एक की बजाय दो बार जरूर नहाएं, पसीने को बॉडी में इकट्ठा ना होने। इसी के साथ डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया जो बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है उससे कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, तो उनसे कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, उनसे कैसे हम बच सकते हैं? देखिए, एक तो इंसेक्ट बाइट बहुत कॉमनली देखने को मिलता है आजकल, कीड़ों का काटा हुआ लीजन मिलते हैं, और उसमें ज़्यादा तो दिक्कत परेशानी नहीं होती पर अच्छा खासा एक रिएक्शन होता है स्किन पे जी। और प्राय वो भी एक स्किन स्पेशलिस्ट ही मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोस कर पाता है जी। वरना वो थोड़ा सा मिस डायग्नोस होकर मिस हैंडल होता है जी। लोग कुछ कुछ नाम देते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है उसे जी।
और जो ये मच्छर बहुत डेवलप होते हैं इन दिनों, जी तो एक पेपुलर एटिकेरिया नामक एक डिजीज एंटिटी बच्चों में पैदा देखी जाती है। जी और इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपोज पार्ट है बॉडी का बच्चों जी का, ठीक है, हाथ हैं पूरे, और इवन अगर लेग्स एक्सपोज हैं रात में सोते समय, तो जहाँ जहाँ ये मच्छर बैठता है वहाँ ये एक्सपोज एरिया में एकदम स्टडेड, क्लोजली स्टडेड, छोटे छोटे दाने टाइट से होते जी, हैं, जी। उसमें बड़ी बेशुमार खुजली होती है। जी। इतनी खुजली होती है कि बच्चे पूरी पूरी रात खुजाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, जो कि अल्टीमेटली उनको सेहत को बैडली अफेक्ट करता है। जी। तो ये प्राय बच्चों में देखा जाता है, जी। पर कभी कभी यही कंडीशन कुछ एडल्टहुड और एडोलेसेंस में भी पहुंच जाती है, जी। तो युवा वर्ग में भी आ जाती है, पर नॉर्मली ये 1 साल के बच्चे से लेकर 6-7 साल की एज तक ये देखने को मिलती है। तो डॉक्टर, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या अपना उपाय अपनाना हाँ, चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे पहला तो वही है कि जो सोर्स है जैसे मच्छर है, तो मच्छरों को ख़त्म करने का पूरा इंतज़ाम करिए आप। जो भी आपको डिसइंफेक्टेंट्स डालने वो डालिए। सोने से पहले कमरे में कुछ ऐसी मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करिए, ठीक है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए बच्चों को, पूरी बाजू के आस्तीन के कपड़े पहने, और एक्सपोज पार्ट में मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम भी लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय है बचने का। इस तरीके से मच्छर से बचा करिए अपना। बाकी मच्छरदानी है, जो भी और उपाय हैं, जितने भी मच्छर से बचने के उपाय हम कर सकते हैं पॉसिबल वो करें। डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि जो लोग बारिश के मौसम में स्टार्टिंग भीग के आते हैं और ऐसे ही अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो क्या उससे भी किस परेशानी, काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं? हाँ, उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल देखने में आ रही है वो है फंगल इन्फेक्शंस। जी, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, ये बहुत जल्दी ऐसे सेटअप में बहुत जल्दी पैदा होते हैं जी। जब आप भीगे कपड़े पहने रहें देर तक, ठीक है, या बदन को ढंग से ना पहुँचे नहाने के बाद जी। और आपने गीला कपड़ा चढ़ा लिया, गीला बदन है जी। तो ऐसे में अगर ज़रा सी भी गंदगी रही, अनहाइजीनिक कंडीशन रही, तो फंगल इन्फेक्शन पनपने में देर नहीं लगती है। और ये फंगल इन्फेक्शन हमारे हेड टू टो किसी भी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं और बहुत ही परेशानी पैदा करते हैं, जिनको कि आम भाषा में आप लोग दाद बोलते हैं। दाद बोलते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपक सक्सेना जी, जिनके साथ आज हम स्किन से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी प्रॉब्लमें देखी जाती हैं, और आजकल जो धूप के चक्कर में हीट स्ट्रोक है उसके चक्कर में किस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती हैं। इसी के साथ डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन के क्या कारण देखे जाते हैं? देखिए, प्राय तो कारण वो है कि जो आम आपकी जो रूटीन है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है और आपका रादर हाइजीनिक कंडीशंस अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि जो एक हाइजीनिक कंडीशंस ये हैं कि आप डेली स्नान करिए, बदन को अच्छी तरह पोछिए थॉरली, स्पेशली वो जगह ज़रूर पोछिए जो पसीने वाली जगह, जहाँ पसीना इकट्ठा होता है, हमारे बगल हैं, कांक है, राग हैं, इन सबको ढंग से पोछिए, पैरों की उंगलियों के बीच में भी अच्छी तरह से टॉवल नैपकिन से पोछिए, उधर भी इन्हें तो पानी रह जाता है तो वो फंगल इन्फेक्शन डेवलप होते हैं। तो एक तो ये है कि प्रॉपर आप अपने ये हाइजीन मेंटेन करिए और दोनों टाइम नहाएं, ठीक है, ताकि ज़रा सा भी इन्फेक्शन का कोई भी जो वो है ट्रेसेस वो उधर बनपे नहीं जी। और ये अगर बारिश के मौसम में अगर आप भीग जाते हैं तो फिर विलम्ब ना करें कपड़े बदलने में, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या देखे जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के, जिससे पता चल सके कि ये फंगल इन्फेक्शन। हाँ देखिए, प्राय अगर आप बिल्कुल मोटे तौर से समझें तो बहुत इसको बेसिकली रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं जी। वो इसलिए क्योंकि जब ये शुरुआत में पैदा होता है ये फंगल इन्फेक्शन, तो शुरू में जैसे एक दाना बना, वो दाना धीरे धीरे खुजली करते करते वो एक आकार गोलाकार सा लेने लगता है और एक रिंग सा फॉर्म कर लेता है। तो ये रिंग जो है देखने में आप बिल्कुल समझ सकते हैं, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, जिसको कि आम भाषा में लोग दाद बोलते हैं जी। और ये फंगल इन्फेक्शन मैंने अभी आपको बताया था, सिर से लेकर पैर तक कहीं भी हो सकते हैं जी। वो फेस पे भी अफेक्ट कर सकते हैं जी। हाथों पे, आपकी जांघों में, ठीक है,
हिडन पार्ट्स में बॉडी के और भी जगह, ये पैरों पे कहीं भी हो सकता है जी। और इसमें बेशुमार खुजली होती है जी। अब इसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी त्रासदी आज के एरा में जो हम लोग जूझ रहे हैं, डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी बड़े परेशान हैं इस फंगल इन्फेक्शन को लेके, जो कि एक ऐसे इन्फेक्शन हुआ करते थे पिछले सालों में जिनकी डायग्नोसिस तो बहुत ईजी होती थी, आज भी डायग्नोसिस बहुत ईजी है और ट्रीटमेंट भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता था जी। पर आज के सिनेरियो में कुछ अभी मैं आपके चर्चा को आगे ले जाऊंगा तो बताऊंगा कि ये जो कंडीशन है फंगल इन्फेक्शन की बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं ट्रीटमेंट पार्ट में जी। और बड़ी महंगी एक्सपेंसिव मेडिसिन का प्रयोग करके अब इनसे हम निजात पा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि ये समस्या इतनी बढ़ रही है, आजकल लोगों में देखी भी जा रही है फंगल इन्फेक्शन की, तो इससे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी समस्या क्यों इतनी बढ़ रही है। देखिए सबसे पहली इसका कारण है सेल्फ ट्रीटमेंट, अपने आप जो आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। फंगल इन्फेक्शन होता है आम आदमी की एक एक, एक वो होती है एक जो भी है मानसिक वो होती है कि प्रवृत्ति होती है कि ठीक है छोटी सी चीज़ है हम अपने आप ही ठीक कर लेंगे, हम बेवजह स्किन स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाएं। ठीक है कुछ पैसा क्या भी एक बीच में बाधा आती है, ठीक है आर्थिक बाधा तो है ही लोगों के बीच में, तो ये लोग क्या करते हैं ये सीधे केमिस्ट के काउंटर पर जाते हैं और ओवर द काउंटर केमिस्ट भी इन लोगों को कुछ दवाइयाँ दे देता है लगाने की या कभी कभी खाने की भी दवाइयाँ देता है। पर प्राय ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग लगाने वाली दवा लेते हैं जी। अब जो केमिस्ट का ज्ञान तो बहुत है नहीं, केमिस्ट को तो पता नहीं कि ये इसमें कौन सी दवाइयाँ लगाई जाएंगी कौन सी नहीं लगाई जाएंगी, तो केमिस्ट के काउंटर से ये लोग अक्सर स्टीरॉयड वाले कॉम्बिनेशन खरीद लेते हैं जी। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं स्टीरॉयड के जो कि बड़े पावरफुल स्टीरॉयड हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड मतलब ऊपर लगाए जाने वाले स्टीरॉयड, वो प्लस एंटी फंगल प्लस एंटी बैक्टीरियल प्लस क्या क्या नहीं और होती हैं, वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन की ये लोग ट्यूब खरीद लेते हैं मरीज और फिर इसका ये नियमित रूप से प्रयोग करते हैं जी। होता क्या है कि जब वो उसका प्रयोग शुरू करते हैं तो उन्हें बड़ा चमत्कारिक लाभ भी मिलता है जी। क्योंकि स्टीरॉयड जितने भी प्रिपरेशन हमारे टॉपिकल स्टीरॉयड जिसको हम बोलते हैं जो कि लगाने वाले स्टीरॉयड हैं ये इमीडिएट एकदम असर लाते हैं जी। तो किसी भी चीज़ को ये किसी भी चीज़ में चाहे कोई चीज़ इनके इस कंडीशन के लिए जायज़ है या नहीं किसी भी कंडीशन में आप ये लगाइए तो आपको क्षणिक तो लाभ मिलेगा जी। तो उसी क्षणिक लाभ के वो मोह जाल में फंस जाता है मरीज और उसको फिर रेगुलरली लगाता है जी। और रेगुलरली लगा के जब वो छोड़ता है तो फ्लेयरअप होता है जी। तो इससे क्या होता है इन्फेक्शन धीरे धीरे वो आकार भी बढ़ जाता है उसका, घेरा बढ़ लेता है एरिया बढ़ता है और वो एक जगह से दूसरी जगह भी फैलने लगता है और एक विकराल समस्या बन के आ जाती है कि फिर उसके पास कोई चारा नहीं होता है कि सीधे स्किन स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट के पास जाए। अब इसी में क्या होता है, एक तो मैंने बताया कि ओवर द काउंटर जी, दूसरी बात ये है कि ये लोग किसी भी क्वैक नीम हकीम के पास चले जाते हैं जी, उससे भी इलाज करते हैं जी, कम पैसे के चक्कर में ये लोग उसके पास जाते हैं, उसको भी कितनी नॉलेज है उसकी भी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, वो भी नहीं जानता तो वो भी अपने सारे उपाय बेतुके जैसे भी उपाय हैं वो कुछ करता है। तो इससे भी बड़ी विकराल समस्या बनती है, बड़े कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। इसके अलावा भी ये लोग तीसरे जगह अपने किसी भी डॉक्टर से किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ले लेते हैं ट्रीटमेंट, और जबकि आज के एरा में अगर कोई भी चीज़ हम देखें हर ब्रांच एक अलग है, हर स्पेशलिटी अलग है। अगर स्किन की कंडीशन अगर है कोई तो सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट ही जान सकता है उसे, वही उसको अच्छा डील कर सकता है जी। पर ये मरीजों में जो भी भ्रम की स्थिति है या ये कह लिए वो कोई और कारण होते हैं ऐसे, वो मजबूरी में इधर उधर फंसते हैं और घूमते हैं, तो इससे ये प्रोलॉन्ग भी होती है डिजीज़, प्रोलॉन्गेशन के साथ साथ एक कॉम्प्लिकेशन में पैदा हो जाती है, ड्रग्स में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो दवा अच्छी अच्छी दवा जो कारगर होती है वो भी बेकार हो जाती है। तो उससे क्या होता है कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट धीरे धीरे मरीज का बढ़ता जाता है और जब कंसल्टेंट के पास जाता है तो कंसल्टेंट उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन देता है जो कि नेचुरली कॉस्टली भी होती है जी। तो बेचारा बेसहाय बेहारा बिल्कुल हार कर वो एक महंगे ट्रीटमेंट को करने को भी मजबूर हो जाता है। डॉक्टर आपने बताया कि फंगल इन्फेक्शन की वजह क्योंकि लोग आजकल गलत स्टीरॉयड्स का बहुत यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना घातक हो जाता है कि ये किस हद तक पहुंच जाता है,
जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए घातक तो यूँ समझिए कि देखिए जान पे तो नहीं लेता ये, जान पे नहीं आता ये जी, पर 80% बॉडी तक अफेक्टेड हो जाता है आजकल लोग का, पेशेंट्स का जी, और उनकी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती है, उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, पूरे पूरे दिन खोजाया करते हैं बेचारे, और जब इतनी बॉडी अफेक्टेड होती है तो ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल होता है जी, और बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो ये इस तरीके से उनकी एक तो मतलब ये सोचिए पैसे पे भी मार पड़ती है जी, जी, और डिस्कम्फर्ट तो अलग झेलता है मरीज। डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक छोटा सा दाग कितने पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है। देखिए मैंने भी आपको बताया था ये दाग जो है फेस को भी अफेक्ट कर सकता है जी, हाथों में भी हो सकता है, कांख में हो सकता है, पेट पे, पीठ पे, रागों में, पैरों में, उंगलियों के बीच में पैरों की जी। जो लोग अक्सर पूरे पूरे दिन जूते पहने रहते हैं जैसे ठीक है, और वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं जी, सुबह से रात तक जूते पहने, ऊपर से अगर वो लोग उन लोग की आदत है जल्दी से उन्होंने जूते चढ़ा लिए बिना पूछे, तो उनको पैरों की उंगलियों के बीच में भी ना स्पेशली फोर्थ और फिफ्थ टो के बीच में ये इन्फेक्शन बहुत परेशान करता है और बहुत दिनों तक रहता है, ये भी बड़ी मुश्किलों से जाता है। तो आजकल जो ये एक हमारे जो कपड़ों का जो धारण है ना जी, ये भी एक बड़ी भारी इसमें वो कर रहा है जी, समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से स्नान लें, बॉडी को पोछें, प्लस लूज और एयरी कपड़े, हल्के हवादार कपड़े पहने। ऑन द कॉन्ट्रेरी है उल्टा समाज में जी, आजकल जीन्स का और टाइट फिटिंग क्लोथिंग का इतना चलन है कि जो मरीज है उसको भी हम लोग इतना समझाने के बावजूद भी वो उससे हटता जी, मतलब उसको नहीं छोड़ पाता उससे, तो वो भी जो टाइट क्लोथिंग पहनते हैं ये लोग, तो इससे ठीक होने में भी बाधा होती है, प्लस ये इन्फेक्शन और फैलता है जी। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपक सक्सेना जी, जो कि सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं स्किन से संबंधित बारिश के मौसम में किस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है, सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है और लोग इसे अपनी लापरवाही से अधिक और बढ़ा लेते हैं, जिससे ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए इस चर्चा को यूं ही बरकरार रखते हुए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में, मैं हूं आपके साथ कामिनी शर्मा। ब्रेक आज जैसा कि हम आपको बताया कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपक सक्सेना जी, जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं स्किन से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में। ब्रेक से जाने से पहले हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली, इसी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी रोकथाम के फंगल इन्फेक्शन, जो कि हम ब्रेक से जाने से पहले हमने आपसे चर्चा की थी, तो फंगल इन्फेक्शन के रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है आपकी डॉक्टर्स कम्युनिटी में स्किन? देखिए हम लोग आजकल स्किन स्पेशलिस्ट और जितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जी, इसको लेके बहुत सीरियस हैं जी, क्योंकि ये एक इतना बड़ा ये एक इशू बन गया है जो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जी। तो अब क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसमें बड़ा कोऑपरेट कर रही है जी, तो वो लोग अपने ये अवेयरनेस के लिए बहुत सारे ये बुकलेट्स अवेयर निकाल रहे हैं, वो पेशेंट अवेयरनेस के लिए हम लोग के कंसल्टेंट्स के पास वो बुकलेट दे जाते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि क्या करिए क्या ना करिए, कैसे रहिए, कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करिए। तो एक तो ये तरीका है कि हम लोग इसको अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, और जो पेशेंट आते हैं फंगल इन्फेक्शन के या वैसे भी जो पेशेंट्स आते हैं, हम लोग उन लोग को भी देना चाहते हैं कि एक वो ले जाए वो भी लीफलेट, क्योंकि ये थोड़ी पता है कि आज उनको नहीं है तो उनको भी कल हो सकता है इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकता है। दूसरा, हम लोग इसको लेके बहुत सीरियस हैं और बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे हैं नेशन वाइड जी, और हम लोग का इनफैक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट एसोसिएशन का जो नेशनल फोरम है उसमें इटाट्सा नामक एक पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है जी, जिसमें कि हम लोग ये जो स्टीरॉयड
का मिसयूज हो रहा है आजकल टॉपिकल एप्लीकेशन में जी। इसको कैसे रोका जाए, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस के उजागर कर रहे हैं जी। लोगों को, जनमानस को बता रहे हैं कि इससे देखो स्टीरॉयड के एप्लीकेशन से तुम्हारी ये हालत हो सकती है। जैसे ये एक्ने है, समझ लिए, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, ये तो अभी हमने आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताई थी जी। ऐसे मुहासों में भी लेडीज बेटनोवेट सी और ऐसे स्टीरॉयड बहुत लगाते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि कभी कभी उनका फेस इतना बदतर हो जाता है कि उसको भी फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम शुरुआत में कुछ है, पैदा कुछ हो जाती है, कन्वर्ट दूसरे में हो जाती है कॉम्प्लिकेशन में। तो हम लोग इन जनरल, फंगल नहीं, इन जनरल हम लोग स्टीरॉयड्स को कैसे रोका जाए, इनडिस्क्रिमिनेट यूज स्टीरॉयड का कैसे रोका जाए, इसमें हम लोग बिल्कुल डटे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग, मतलब ये सोचिए, डायरेक्टर जनरल जो ये ड्रग्स के हैं इनसे भी संपर्क साधे हुए हैं और कोशिशें जारी हैं कि कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनना ही बंद हो जाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दे ताकि वो केमिस्ट के काउंटर पे ना आए और फिर ओवर द काउंटर लोग उसको ना लें। तो ये सबसे जो एक क्या कहना चाहिए, बड़ा रिग्रेस एक ये अटेम्प्ट हम लोग का एफर्ट्स हैं और ये बड़ा लंबे समय से भी चल रहा है प्रयास और हम लोग को ऐसी आशा है कि आज नहीं तो कल हम लोग इसमें जीत जाएंगे इस अपनी जंग में। तो सबसे बड़ा वही है, एक हम लोग का प्रोजेक्ट है कि इसको पैदा ही ना होने दें, इस कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को बनने ना दें, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, दवाइयों को बेअसर कर रहा है, कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट को मल्टीफोल्ड बढ़ा रहा है। तो ये है हम लोग का। इसी के साथ डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल लोगों में एलर्जी काफ़ी बढ़ रही है, बारिश के मौसम में लोगों के हाथ में रैशेस से पड़ जाते हैं, चाहे कहीं भी लो, तो ये इसकी क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, जिसको आप मेरे ख्याल से कह रही हैं आप अर्टिकेरिया आप कहना चाह रहे हैं, जो ददोरे से बन जाते हैं खुजली के, इसके कई कारण हैं, कई, और कभी कभी सोच से परे और कभी कभी अकारण भी एलर्जी होती है। तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस मौसम में ऐसा होता है, हाँ, पर देखिए हॉट और ह्यूमिड जो वेदर है ना, स्किन के लिए सबसे खराब है जी। तो प्राय सारी डिजीज जो भी है स्किन की, बहुत सारी डिजीज हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में थोड़ी बढ़ी जाती हैं। तो ये जिसको आप बात कर रहे हैं अर्टिकेरिया, ये भी इन दिनों बहुत अच्छा, फिर लोगों में, अच्छा, छुट्टी के दिन ये जून वून पड़ता है ना, जून जुलाई स्कूल बंद हैं, लोगों में फास्ट फूड का बड़ा प्रचलन है, फास्ट फूड खा रहे हैं और फास्ट फूड में भी तरह तरीके के केमिकल्स का इंटेक हो, उसमें भी कभी कभी लोग को फूड से हो जाता है अर्टिकेरिया, एलर्जी होती है, फूड से हो जाती है कि रात में कुछ खाया उठ पटांग चीज़ है और अगले दिन सब रैशेज आ गए। तो ये बहुत तरीके के होते हैं, इन्फेक्शन्स हैं, इन दिनों इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं हमारे और बॉडी के, तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बचने के लिए देखिए, अगर बिल्कुल गूढ़ सत्य देखा जाए, बिल्कुल गहराई में जाया जाए, तो देखिए कोई भी डिजीज आपको तब तक नहीं इफेक्ट करती जबकि आपकी इम्यूनिटी इम्प्रॉपर ना हो। अगर आपकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज है, मतलब आपके बॉडी का रेजिस्टेंस पुअर है तो कोई भी डिजीज आपको इमीडिएटली अफेक्ट कर सकती है। अब बात आती है इम्यूनिटी कैसे बिगड़ती है और कैसे बनाई जाए या कैसे बूस्ट करें। इम्यूनिटी देखिए आजकल हमारी क्यों बिगड़ रही है, एडल्ट्रेशन। हम सब्जी फल दूध कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, कोई भी चीज़ बोलिए और उसको मैं बताऊँ आपको, हर चीज़ में एडल्ट्रेशन, मिलावट, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हर तरीके का पॉल्यूशन है। और इसको अब ब्रह्मा भी उतर के आ जाए तो ये इन चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते। तो एडल्ट्रेशन, पॉल्यूशन, तीसरा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट नहीं मिल रही लोगों में, फास्ट फूड का कल्चर इतना हावी हो गया है, क्विक कैंसर वाला मेथड है आजकल, लव इन कम समय में कुछ फटाफट खाना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें डेवलप कर रही हैं ये आपकी इम्यूनिटी को, प्लस सबसे ज़्यादा बड़ी बात है आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर आदमी इतना स्ट्रेस में जी रहा है जी। तो देखिए स्ट्रेस, इम्प्रॉपर डाइट, पॉल्यूशन, एडल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारी इम्यूनिटी को चोट पहुंचा रही है और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस जो है अफेक्टेड हो रहा है। तो हमें
कोई भी स्किन या कोई भी डिजीज, स्किन की क्यों, किसी भी तरह की डिजीज, चाहे वायरल फीवर हो चाहे टाइफॉइड हो, दुनिया की प्रॉब्लम से वो हमें इमीडिएटली अटैक कर रही है और हम उनके गिरफ्त में आ रहे हैं। डॉक्टर, बच्चों की बात की जाए तो बच्चे ना दूध पीते हैं ना ये, तो इनमें भी आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी डार्क सर्कल हो गए, चेहरे पे रैशेस पड़ रहे हैं, क्या इस चीज़ की वजह से भी बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? नहीं, बच्चों में ये इतनी जल्दी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, हाँ, पर ओवरऑल तो इनकी स्किन अफेक्टेड होगी, सूनर और लेटर बाद में अफेक्ट होगी, क्योंकि देखिए पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन जानना चाहिए जी। स्किन भी तभी अच्छी ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगी, जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट मिल रही है जी। अब देखिए इसमें यहाँ पे रोल आता है माताओं का जी, मदर्स का जी। मदर किसी तरीके से प्यार से और डांट डपट के टैक्टफुली हैंडल करके बच्चों को अगर न्यूट्रिशियस आहार देती है जी, तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। पर प्राय क्या होता है आजकल मदर्स में भी थोड़ी पेशेंस की कमी है जी। उन्होंने जैसे नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जो खा रहा वो खिला दो उसे। अब बच्चे अगर अंकल चिप्स खा के मस्त है तो माँ भी खुश है, चलो अंकल चिप्स का पैकेट खा लिया, इसका पेट भर गया। पर ये बहुत ही गलत और बड़ा हैजार्डस, बड़ा नुकसानदायक है, डेंजरस है ये सब चीज़ें। और आपको मैं बताऊं, इसी बीच इसी में कड़ी में बताऊं आपको कि बड़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए कि जो बच्चे ये कुरकुरे और ये लहर के ये सब खाते हैं, ठीक है, मसालेदार चीज़ें और प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग आर्टिफिशियली फ्लेवर, तो बहुत छोटे उम्र में ही अल्सर डेवलप होने लगे बच्चों के, और इससे इनकी एपेटाइट भूख मारी जाती है और आगे चल के खतरनाक रूप लेते हैं। इसी के साथ डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आजकल मेकअप प्रोडक्ट हैं कि लोग है ना बिगर अपने स्किन को पहचाने लोग गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो वो किस हद तक हमारी स्किन को इफेक्ट दे सकते हैं? देखिए बहुत बैडली इफेक्ट कर सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से वो कुछ ना कुछ परिणाम दे सकते हैं आपके चेहरे को, स्पेशली चेहरे की बात करें मेकअप में। तो यहाँ पर मैं एक बात बस मोटी सी बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले रहे हैं जी, तो एक अच्छा ट्रस्टेड ब्रांडेड प्रोडक्ट लें जी, ठीक है, और ऐसे बिल्कुल लोकल टाइप के और कहीं भी उल जलूल चीज़ें ना खरीदें जी। और मेकअप की तरफ ज़्यादा आपका रुझान भी नहीं होना चाहिए, बेवजह कुछ कोशिशें ना करें कि खूबसूरत बनने के प्रयास में कभी कभी आप बदसूरत भी बदसूरती आपके सामने आ सकती है। तो इसमें अब फिर वो वाली बात है कि जगह जगह जाके अपना कुछ करा लेना, कुछ ये पार्लर और वो ट्रीटमेंट, वो फेस के ये ट्रीटमेंट, वो क्रीम्स, वो मसाज, तो इनसे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं, नुकसान होता है ज़्यादा जी। तो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए अपनी आप अपने स्किन को बढ़िया रखिए, तो न्यूट्रिशियस आहार लीजिए बढ़िया, अपने कॉस्ट जो स्पेशली अब देखिए सोप की बात आती है जी, तो सिंडेड सोप्स आते हैं जो जो कि हमें स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करके चलते हैं वो, तो सिंडेड सोप्स का यूज़ करिए या लिक्विड सोप्स का यूज़ करिए, तो वो आपके स्किन को डैमेज नहीं पहुँचाते। जब आपकी सुपरफिशियल सतह जब डैमेज नहीं होगी तो जल्दी ये प्रोडक्ट भी कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो इनका प्रयोग करिए। प्लस मॉइस्चराइजर का एडिक्वेट यूज़ करिए आप जी। एक मॉइस्चराइजर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में सक्षम है जी। और इसी से बाद में आपके चेहरे पे ग्लो डेवलप होता है जी। तो मॉइस्चराइजर का प्रचुर योग करिए प्रयोग। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूपक सक्सेना जी, जिनके साथ आज हमने स्किन से संबंधित फंगल इन्फेक्शन हुए और आजकल जो स्किन पर कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं और उसमें किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, किस वजह से हमारे खान पीन की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, तो इसी के साथ हम आप अपना प्रॉपर आहार लें। इसी के साथ डॉक्टर, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्किन हेल्दी रखनी है तो देखिए बैलेंस डाइट लीजिए, एक प्रॉपर स्लीप लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, कोशिश करिए ऐसा मनोयोग ऐसा डेवलप करिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्ट्रेस को कम करें, भगवान के ऊपर आस्था रखते हुए, जिसके ऊपर भी आस्था रखते हुए अपना स्ट्रेस कम करिए लेवल, और अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए, प्रॉपर नींद और एक नियमित व्यायाम एक्सरसाइज और वर्कआउट करिए, ताकि आप
पूरी तरह ऊपर है टोटो बिल्कुल फिट रहेंगे तो आपको स्किन की प्रॉब्लम भी कम होगी। डॉक्टर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे दर्शकों तक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। दर्शकों, हम इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।